नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलर मैनिफेस्टेड के फ्रेश शहर से फ्रेश लोगों के साथ स्वागत करता हूं आपको फ्रेश वीडियो में। और आज हम हैं सैन फ्रांसिस्को में, और आज हम चल रहे हैं सैन फ्रांसिस्को घूमने के लिए। दोस्तों वैसे तो मैं अपने गाड़ी से घूमना प्रेफर करता हूँ यहाँ पे, या कैब कर लेते हैं, बट इस बार सोचा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए। तो हम एयरपोर्ट के पास होटल में रहते हैं, तो वहाँ से हमने बस किया और हम जा रहे हैं यूनियन स्क्वायर, वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हम अपना SFO वाला सफ़र वहाँ शुरू करेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों हम आ गए हैं सैन फ्रांसिस्को के यूनियन स्क्वायर में। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ईजीली कनेक्टेड है और ये मेनली फेमस है शॉपर्स के लिए, मतलब बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स के लिए। तो इसलिए जो शॉपिंग के शौकीन है उनके लिए तो बेहतरीन जगह है। यहाँ पे एप्पल स्टोर्स है, मेसीज है, चीज़ फैक्ट्री है, नेमन मार्कस है। तो आज हम भी अपने दिन की शुरुआत यहीं से करेंगे और यहाँ से निकलेंगे घूमने के लिए। दोस्तों हम आ गए हैं पियर 39 और ये मेनली खाने पीने के शौकीनों के लिए फेमस है। बाकी आप पीछे भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना पॉपुलर है लोगों के बीच। और सेकेंडली ये फेमस है सी लायंस के लिए। चलिए आपको दिखाता हूँ सी लायंस यहाँ कहाँ पे हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं पियर 39 के डॉक्स पे और यहाँ हम देख सकते हैं सी लायंस। बता दूँ पहला सी लायन अक्टूबर 1989 को यहाँ देखा गया था और उसके बाद तो इनकी तादाद बढ़ती चली गई। वैसे तो ये साल भर यहाँ रहते हैं, पर ज़्यादातर आपको विंटर में सबसे ज़्यादा सी लायंस देखने को मिलता है। नवंबर 2009 में थैंक्स गिविंग वीक के दौरान 1700 सी लायन एक साथ यहाँ देखे गए थे और ये अब तक का रिकॉर्ड है। वैसे तो यहाँ सिर्फ मेल सी लायंस आते हैं और 1972 मैराइन एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज है और इन्हें परेशान करने या खाना खिलाने से आपको सज़ा भी हो सकती है। दोस्तों ये जो मेरे सामने देख रहे हैं ये है अल्कात्राज आइलैंड और इसमें है अल्कात्राज प्रिजन। आसान भाषा में कहूँ तो ये यहाँ का काला पानी है।
इस आइलैंड की हिस्ट्री की बात करूँ तो पूरा ब्लॉक कम पड़ेगा, पर बेसिकली ये इस प्रिजन के वजह से फेमस है। ये 1934 से 1963 तक जेल की तरह इस्तेमाल हुआ था और कहते हैं ये सबसे सिक्योर जेल था और यहाँ से आज तक कोई कैदी सक्सेसफुली भाग नहीं पाया है। पर लोगों की बात माने तो 3 कैदी ऐसे थे जो यहाँ से सिर्फ भागने में सफल हुए थे और उन पर कई सारी हॉलीवुड मूवीज़ भी बनी हैं। आप यहाँ जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं ऑथराइज फेरी प्रोवाइडर से, जिससे कि आप इस आइलैंड में उतर के ये प्रिजन भी देख सकते हैं, उस पर इंक्लूडेड रहता है। और अगर अनऑथराइज से आप लीजिएगा तो फिर वो सिर्फ आपके आइलैंड के आसपास ले जाते हैं और आप वहाँ पे उतर नहीं सकते और हो जाता है आपका पैसा बर्बाद। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं पियर 39 से फिशरमैन्स वॉर्फ की तरफ। और फिशरमैन्स वॉर्फ किसी ज़माने में मछुआरों का गांव हुआ करता था, पर अब ये सी फूड लवर्स के लिए पैराडाइज है। यहाँ के लॉबस्टर्स और क्रैब्स यहाँ के रेस्टोरेंट्स में जो मिलते हैं वो यहाँ पे बहुत ही फेमस है। तो चलिए सिखाते हैं आपको। तो हम आ गए हैं फिशरमैन्स वॉर्फ। वैसे तो किसी ज़माने में मछुआरों का गांव हुआ करता था, पर अब म्यूज़ियम, आर्ट गैलरीज, सुवेनियर स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स के साथ ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वैसे तो ये एक सी फूड लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। यहाँ आपको लॉबस्टर्स, श्रिम्प से लेकर क्रैब तक सब कुछ मिल जाता है, पर यहाँ सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर डिश है क्लैम शाउडर इन सौरडो ब्रेड बाउल। शाउडो ब्रेड बॉल बेसिकली एक ब्रेड है जिसको कार्व करके बाउल का शेप दिया जाता है और आपको क्लैम शाउडर उसी में सर्व होता है। तो अगर आप कभी भी फिशरमैन्स वॉर्फ आए तो बाउडिन शाउडो ब्रेड फैक्ट्री ज़रूर ट्राई करिएगा। स्पेसिफिकली बाउडिन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलता है ब्रेड म्यूज़ियम। तो ये अपने में ही एक अलग एक्सपीरियंस है ब्रेड म्यूज़ियम देखने का। तो अगर फिशरमैन्स वॉर्फ आए तो क्लैम शाउडर ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही, पर जल्द ही वापस आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ सैन फ्रांसिस्को के और बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शंस को लेके। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते आते बेल आइकन का बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।